हेलो फ्रेंड्स, द फुल फॉर्म डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि राष्ट्रमंडल आखिर क्या है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, जो कि है राष्ट्रकुल। दोस्तों, राष्ट्रमंडल जो है वह 53 स्वतंत्र राज्यों या फिर देशों का एक संघ है, जिसके सारे राज्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा थे। यानी कि ये सारे जो देश हैं वे कभी न कभी अंग्रेजी सरकार के गुलाम रहे हैं या फिर उनके अंतर्गत थे, है ना। इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 11 दिसंबर 1931 में, और इसका जो उद्देश्य है काफ़ी अच्छा है, जो कि है लोकतंत्र को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ाना, मानवाधिकार को बेहतर बनाना, इसके अलावा बेहतर प्रशासन बनाना, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेडिंग करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना, विश्व शांति को बनाकर रखना। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सी भारत के बारे में कि भारत जो है इसका सदस्य कब बना। तो भारत में इसे सदस्यता मिली इसकी आज़ादी के बाद 1949 में। तो दोस्तों, यह थी एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन राष्ट्रमंडल के बारे में कि आखिर यह क्या है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।